हेलो फ्रेंड्स, गौर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अचल गौर और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज वन। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शंस देखनी है कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट की डायरेक्शंस याद करनी है, ठीक है। कौन सा किस डायरेक्शन में बनेगा, उसकी शेप क्या है, लाइट है डार्क है, और इस लाइट डार्क और या फिर किसकी शेप कैसी है, इसका कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया है। एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है इसके कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिंक नीचे से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पी। पी बनेगा लाइट और इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे पी। लेकिन बात करते हैं बी की, तो बी भी यही बनेगा, सेम डायरेक्शन होगी बट डार्क होगा। नेक्स्ट है टी। टी एकदम स्ट्रेट बनेगा और जो लाइट होगा। डी ये डार्क बनेगा। फिर नेक्स्ट है सी एच। सी एच की डायरेक्शन ये है जो हम बनाएंगे। जे, जे की भी सेम डायरेक्शन है बट ये डार्क हो। फिर नेक्स्ट है के की डायरेक्शन होती है ये, और सेम जी की डायरेक्शन भी है लेकिन ये डार्क बनेगा। फिर नेक्स्ट है टी एच। टी एच की डायरेक्शन होती है ये और लाइट है। टी एच दो होती है, एक को सिर्फ बोलते हैं और एक तो इथ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एस। एस बनेगा टी एच का जस्ट अपोजिट लेकिन ये लाइट होगा। और जेड जो होता है ये सेम डायरेक्शन होगी बट डार्क, थोड़ा सर्कल है ना। फिर नेक्स्ट है एफ। एफ लाइट बनेगा, डायरेक्शन ये होगी एफ की। वी का पेयर यही है लेकिन ये डार्क होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एस एच। इसका जस्ट अपोजिट बनेगा लाइट, इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं सेम शेप पर तो ये हो जाएगा जेड एच। फिर नेक्स्ट है एन। एन लाइट बनेगा हमारा इस टाइप से, और एन जी यही बनेगा बट डार्क। फिर नेक्स्ट है एम। एम की डायरेक्शन ये है, लाइट डार्क एम में कुछ नहीं होता लेकिन ये लाइट बनाना, क्योंकि डार्क का एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा जब एम को डार्क करेंगे, सी तो फाइनल स्टेज पर वो बाद में बताएंगे। फिर है आर। आर दो टाइप से बनता है, एक तो स्ट्रेट आर होता है ये वाला, और एक कर्व वाला आर होता है जो ऊपर से नीचे बनता है इस टाइप। लाइट डार्क कुछ नहीं है इसमें भी। एल। एल की शेप होती है ये, सी। नेक्स्ट होता है डब्लू। डब्लू की शेप जो होती है, डब्लू बनता है ये, नीचे हल्का सा ओके लेकर ये जाएंगे, सी। वाई इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। फिर है एच। एच दो बनते, एक तो ये बनेगा ऊपर से नीचे के लिए और एक बनेगा नीचे से ओपन इस टाइप से। तो ये थे हमारे अल्फाबेट्स। अब करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे नहीं करना कि पूरा एक साथ लिख दियो फिर उसको याद कर, नहीं। याद करने का पैटर्न है, सबसे पहले पी लिख लो, पी की डायरेक्शन ये, फिर कम से कम दो चार लाइन इस तरीके से पी 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 पी, फिर नेक्स्ट पी 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 पी, इस तरीके से पी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद बी। बी के डायरेक्शन ये है, फिर इसको बी 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 बी। तो इससे होगा क्या, जैसे इश्यू होता है ना कि फाइनल स्टेज पे आकर स्पीड नहीं बढ़ती, तो वो स्पीड क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारे हाथ पर शॉर्ट हैंड रखी नहीं होती, आउटलाइंस नहीं होते, कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। तो वही है, हमें शॉर्ट हैंड को अपने हाथ पर ऑन द फिंगर टिप्स रख देना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।